अजमेर में एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खुलेआम मुख्य मार्ग कचहरी रोड पर स्थित गुजराती पेट्रोल पंप पर दो अज्ञात बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप मालिक के बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए। इस मामले का वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दो नकाबपोश बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे और ऑफिस में बैठे नमन गर्ग पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मामले की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत, पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, मुकेश सोनी, रघुवीर प्रसाद शर्मा व अन्य पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और हालातों का जायजा लेते हुए अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर अपराधियों की पहचान करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जल्द से जल्द अपराधियों का पकड़ने का दबाव भी बना हुआ है। अभय कमांड सेंटर सहित मुखबिर तंत्र के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास जिला पुलिस की ओर से किया जा रहा है, जिससे कि पुलिस का इकबाल फिर से कायम हो सके। गुजराती स्कूल के सामने जो पेट्रोल पंप है, गर्ग मिस्टर गर्ग हैं, उनका पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर फायरिंग की है और मौके पे हम लोग आ गए हैं सारे पुलिस बल और नाकाबंदी करवा दी गई है। दो व्यक्ति बाइक पे आए थे और उन्होंने एक दो दिन पहले वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करके भी इनको चेतावनी दी थी और अभी हम सब मौके पे हैं, पुलिस बल है और नाकाबंदी करवाई गई है और मुलजिमों की तलाश कर रहे हैं। फिरौती की मांग कोई इस प्रकार की बात अभी पूछताछ कर रहे हैं, इनको तसल्ली देके पूछताछ करने पे पता लगेगा कि किस वजह से इन्होंने फायर किया। कितने राउंड फायर हुए? चार राउंड फायर किए हैं। कितने आरोपी हैं दिखाई दे रहे हैं? दो लोग हैं, बाइक पे आए और बाकायदा वारदात करके अभी पूछताछ कर रहे हैं, तसल्ली देके नहीं, लूट करने के उद्देश्य से नहीं, पेट्रोल और संचालक पे चलिए, भयभीत करने के लिए आए थे। अभी तक प्रथम दृष्टि आई है, बेटे पे चली है, मालिक पे चली है? मालिक के बेटे पे गोली चली है। मैं अंदर बैठा हुआ था पंप पे, अपना काम कर रहा था, तो सामने से एक आदमी काला कपड़ा बांध के आया यहीं पर ही जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। फिर उसने आके, मैं अपना काम ही कर रहा था तो मैंने देखा कि जेब में से कुछ निकाला उसने, एंड आफ्टर आई रियलाइज कि वो एक पिस्टल था। तो वो पिस्टल निकाल के डाला, तो एक बार जब फायर किया उसने तो वो चला नहीं था। तो उतने में मैं उठ के आई रिएक्टेड इट कि वो क्या कर रहा है। तो उतने में जब उसने फायर हुआ तो उस कांच पे लगा सामने, वो सामने कांच पे लगा, तो वो कांच मेरे यहाँ सामने आके वो कांच लगा उसमें। फिर एक फायर और किया उसने, वो मेरे साइड में से निकल के पीछे तरफ लग गया। तो उतने में मैं नीचे बैठ चुका था, नीचे टेबल के नीचे, तो ही रियलाइज़ कि अब कुछ कर नहीं पाऊँगा मैं वो कुछ। फिर वो जाते जाते एक दूसरे इधर एक और फायर करके गया जहाँ पे, उसके बाद दो फायर मेरी कार पे करके गया ताकि लोग डर जाएं, वो कोई पकड़ ना सके उसको, एंड देन ही रैन अवे। एक मोटरसाइकिल पे एक वहीं पे खड़ा हुआ था एक आदमी, वो सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है, तो वो रिकॉर्डिंग वो खड़ा हुआ था, वो उसको लेके बैठा के वो जयपुर रोड की तरफ वापस चला। सर पहले भी कोई ऐसी कोई नहीं 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 आपको नहीं कैसा धमकी तो खैर कुछ नहीं आई थी, बस कुछ इंटरनेट कॉल्स आ रहे थे कल से, तो विच वो मैं उठा नहीं रहा था उन्हें, तो मे भी हो सकता है कि उनमें से कोई वो हो, बिकॉज वो सेम कॉल्स मेरे जो बड़े पापा हैं ताऊजी उनके पास भी गए थे आज, मेरे पास कल आए थे, उनके पास आज गए थे क्योंकि मैं उठा नहीं रहा था। तो उनमें कुछ मतलब आपकी बात नहीं थी कॉल से? फिरौती नहीं, फिरौती का तो तब वो नहीं था, बट हाँ शायद वो कह रहे थे कि हम उन पर वॉच रख रहे हैं, उनको उन पर बात हुई थी। पेमेंट का तो कोई लेन देन ही नहीं है, मे भी मांगा तो वो बोलते जब मांगते, जब मैं फ़ोन उठाता उनसे बात करता, बट मेरी बात हुई नहीं उनसे, बट मेरे उनसे बात हुई थी मेरे ताऊजी से, तो उन्होंने कहा था कि हम आप पे वॉच रख रहे हैं ये वो, तो एंड देन ही मे भी शायद हिंट दिया था तो 5 CR का डिमांड करके कुछ कहते हैं। क्या लगता है आपको कि आपके ऊपर हमला करने ही आए थे या कुछ डराने ही आए थे? मैं तो सामने ही बैठा हुआ था और ये बिल्कुल जहाँ से पिस्टल मारा है मैं बिल्कुल सामने ही बैठा, तो वो अगर नहीं, अगर डराने के हिसाब से होता तो शुड हैव वो कहीं और मारते, ऊपर मारते, आगे मारते, इट वॉज वो बस बच गया वो यहाँ पे जगह, और सेकंड फायर जो मारा था वो मेरे लग सकता था, बट वो मैं नीचे बैठ गया टेबल के नीचे तो वो मिस फायर हो गया। सुबह है कौन थे कुछ लोग कुछ सर? ऐसा तो अभी कैसा कुछ है नहीं, बिकॉज कॉल करे थे आपने, कोई कंप्लेंट करी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉल में कल तो शाम को आए, कल शाम को आए थे, तो रिए मतलब मे बी वो ऐसा लगता है ना कि वो आजकल वो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं कुछ होते हैं, इस वजह से इंटेंशन वॉज दैट कि दैट्स आई वॉज नॉट पिकिंग दैट दोज कॉल्स, तो बट जब आज मेरे ताऊजी के पास आए तो देन We started thinking about it, but आज कुछ करते उतने में वो जैसे ही गए यहाँ से और वो